हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंस्टा निवेश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल पर एक नई सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डेट म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आरडी और एफडी से ऊपर हटकर बॉन्ड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं, पर उन्हें इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी ठीक ढंग से नहीं मिल पाती है। आपको इस सीरीज में डेट म्यूचुअल फंड से जुड़ी वो तमाम जानकारियाँ सरल भाषा में मिलेंगी जिससे आप कॉन्फिडेंस के साथ इनमें इन्वेस्ट कर सकें और अच्छा रिटर्न भी कमा सकें। आज तीसरे भाग में हम जानेंगे कि डेट म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं और उनकी कैटेगरीज क्या क्या हैं। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और हाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं, पर उन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड के अपोजिट में इसमें बहुत डर लगता है। अब ऐसा होता क्यों है? मेरे हिसाब से इनकी कैटेगरीज भी इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसी ही बड़ी हैं, और इन्वेस्टर्स अलग अलग प्रकार के डेट म्यूचुअल फंड्स की भयानक टर्मिनोलॉजी में उलझ कर रह जाते हैं, और इसीलिए उनको इससे बहुत डर लगता है और वो अधिकतर डेट म्यूचुअल फंड से दूर ही रहते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप उन कैटेगरीज के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जान सकेंगे और आसानी से उनमें इन्वेस्ट भी कर सकेंगे। शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये डेट म्यूचुअल फंड्स आखिर होते क्या हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि डेट म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज में हमने दिखाने और एग्जांपल्स के लिए म्यूचुअल फंड्स का नाम लिया है। आप यहाँ ध्यान दें कि ये कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, और किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। हाँ दोस्तों, बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स की। डेट म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स और डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस द्वारा इशू किए जाते हैं। बॉन्ड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पिछले वीडियो जरूर देखें, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं यहाँ पर फिर से आपको एक बार बॉन्ड्स के बारे में समझाता हूँ। देखिए, बॉन्ड्स एक प्रकार से दो पार्टीज के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई भी एजेंसी, चाहे तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जो आपसे पैसा ले रही है वह एक बॉन्ड सर्टिफिकेट इशू करती है, जिसके हिसाब से आपको एक तय समय के लिए कुछ ब्याज अदा किए जाने का वादा रहता है। डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर जो होता है वह हम लोगों की तरफ से उस एजेंसी या इंस्टीट्यूशन को लोन देता है। आशा करता हूँ आपको सरल भाषा में समझ आ गया होगा, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी करें। अब जो भी बॉन्ड्स उस म्यूचुअल फंड्स में रहते हैं उसकी मैच्योरिटी अलग अलग हो सकती है, मे बी कुछ दिनों की भी हो सकती है या फिर कुछ दिनों से लेकर के सालों तक भी हो सकती है। और इस डेट म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए NAV यानी नेट एसेट वैल्यू का उपयोग किया जाता है। NAV का मतलब है कि उस डेट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में रखे बॉन्ड्स की कुल वैल्यू कितनी है। जैसे जैसे डेट म्यूचुअल फंड्स की NAV घटेगी या बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा या घटेगा। मैंने आपको पिछले भाग में ही बताया था कि बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट रेटिंग का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और इसी हिसाब से बॉन्ड की वैल्यू और फिर फंड की NAV घटती या बढ़ती रहती है। अब आइए जानते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पूरी कैटेगरी नहीं है, पर मेन कैटेगरीज को हमने कवर कर लिया है जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। हर जगह आपको म्यूचुअल फंड के एग्जाम्पल्स भी दिए जाएंगे जिनका डेटा वैल्यू रिसर्च वेबसाइट से लिया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि यहाँ बताए गए फंड्स केवल एग्जाम्पल के लिए ही हैं, और आप इसे एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहली कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स की, जो काफ़ी फेमस है और जिसका नाम है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। अब लिक्विड का मतलब क्या है? लिक्विड का मतलब ये है तरल। तरल मतलब कभी भी अवेलेबल, जैसे आपका सेविंग अकाउंट, एकदम बिल्कुल ये सेविंग अकाउंट टाइप का ही होता है। और जो लिक्विड फंड्स होते हैं वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में, मतलब जो फिक्स्ड है, जो ट्रेडेबल ना हो, जैसे मनी मार्केट हो गया या ऐसी सिक्योरिटीज जो फिक्स्ड हैं, उनका जो रिटर्न फिक्स्ड है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, उनकी मैच्योरिटी बहुत कम समय के लिए होती है। मतलब जो भी लिक्विड म्यूचुअल फंड्स होंगे उनकी मैच्योरिटी 91 दिन से कम की होगी। और अगर आप डेट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सबसे बढ़िया है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह
काफ़ी सेफ भी होते हैं, लेकिन इनका रिटर्न थोड़ा कम रहता है और आप इसको मान सकते हैं कि आपका जो सेविंग अकाउंट है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये होता है। तो लगभग 4-8% तक का इनका रिटर्न रहता है और ये वेरी करता है अलग अलग फंड्स के हिसाब से, लेकिन मोटा मोटी ये लगभग 6-7% के आसपास रिटर्न देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने ABSL लिक्विड फंड का, और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि मैंने भी ABSL लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और करीबन 3 सालों से मैं इन्वेस्ट किया हूँ इसमें, और आप देख सकते हैं कि इसमें जब से ये लॉन्च हुआ है 2013 से तो इसका रिटर्न जो है लगभग 7.5% के आसपास का बना हुआ है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ईयरली रिटर्न या एक साल का रिटर्न नहीं है, ये सिंस इंसेप्शन है, मतलब 13 से लेकर के 2021 तक का टोटल रिटर्न आपका 7.3 है। क्योंकि आप सालाना देखेंगे तो उसका रिटर्न हो सकता है 4% या 3%, 3.5% जैसा हो, तो ओवरऑल कलेक्टिवली जो है इसका रिटर्न 7.3% है। दोस्तों अगला कैटेगरीज है शॉर्ट टर्म गिल्ट फंड्स। यहाँ पर गिल्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से, और शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि उनकी जो भी उनका जो एवरेज पोर्टफोलियो है, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी डेट म्यूचुअल फंड रहेगा उसके पोर्टफोलियो में कलेक्शन ऑफ बॉन्ड्स रहेंगे, बॉन्ड्स का कलेक्शन रहेगा जिनका मैच्योरिटी अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए किसी का 1 साल है, किसी का 2 साल है, किसी का 4 साल है, किसी का 10 साल है, जनरल अलग अलग रहेगा। जैसे जो शॉर्ट टर्म गिल्ट फंड रहेंगे उनमें जो कलेक्शन ऑफ बॉन्ड्स रहेंगे या कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज रहेगी वो आपका 4-6 साल के बीच की रहेगी एवरेज मैच्योरिटी, तो इस बात का ध्यान। अब चूंकि इनका जो मैच्योरिटी है वो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 4-6 साल है, इसलिए थोड़े से ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होते हैं, मतलब जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो आपकी जो वैल्यू है, जो NAV है, वो डाउन चली जाएगी, और जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन जाएंगे वैसे आपकी NAV बढ़ जाएगी। इसके बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि इंटरेस्ट रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, और इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये शॉर्ट टर्म गिल्ट फंड्स आपको 6-12% तक का रिटर्न दे सकते हैं, और मैंने ये थोड़ा लंबा रेंज भी लिया है आप देख रहे होंगे, क्योंकि होता क्या है कि जैसे इंटरेस्ट रेट जब अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं तो ये काफ़ी नेगेटिव रिटर्न्स भी देते हैं, और इसी तरह से इंटरेस्ट रेट घटने की दशा में ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर SBI मैग्नम गिल्ट फंड का, ये भी 2013 में लॉन्च है और देख सकते हैं कि इसका रिटर्न इंसेप्शन के साथ में ही लगभग 10.25% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। दोस्तों बात करेंगे मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गिल्ट फंड्स की, और ये ऐसे फंड्स हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और इनकी एवरेज पोर्टफोलियो मैच्योरिटी जो है वो 4 साल से अधिक है। आपने देखा कि इससे पहले हमने बात किया शॉर्ट टर्म गिल्ट की जो 4-6 साल है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म होंगे वो 4 साल से ऊपर ही होंगे, मान लें 6-8, 10-12 साल ज़्यादा ही होंगे। और चूंकि ये लंबे समय के मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं इसलिए इसका इंटरेस्ट रेट का जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको खबर लग गई कि हाँ आपका इंटरेस्ट रेट जो है डाउन जाने वाला है तो बहुत तेज़ी से इसका इंपैक्ट आएगा और बहुत तेज़ी से इसकी NAV ऊपर जाएगी, और उसी तरह से अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात रहेगी तो बहुत तेज़ी से इसकी NAV जो है वो नीचे जाएगी, तो आपको लॉसेज भी हो सकते हैं। जो मीडियम और लॉन्ग टर्म के गिल्ड फंड्स होते हैं वे फॉलिंग इंटरेस्ट रेट वाले सीनेरियो में जब इंटरेस्ट रेट कम होने वाला रहता है तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं, और आप एवरेज देखेंगे तो उसका 4-12% का रिटर्न रहता है, और हालांकि कई बार तो ये देखेंगे तो ईयरली ये कभी कभार 15% तक भी चला जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज इस कैटेगरी के फंड 4-12% तक का रिटर्न देते हैं। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया है पे ICICI प्रूफ गिल्ड फंड का, तो देखेंगे कि जब से ये लॉन्च हुआ है तब से ये लगभग 9.5% का रिटर्न दिया है। दोस्तों अगला कैटेगरी है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, जिसको FMP भी बोलते हैं। FMP भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, बट ये ओपन एंडेड नहीं होते हैं, मतलब ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के बारे में जानने के लिए हमारा एक पिछला वीडियो है म्यूचुअल फंड्स का, आप उसमें देख सकते हैं और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और ये क्लोज एंडेड फंड्स मतलब ये है तय समय के लिए लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद आप उसके बीच में एंट्री नहीं कर सकते, और आप स्टार्टिंग में एंट्री कर सकते हैं और फिर जब मैच्योरिटी हो जाएगा तो आपको पूरा वैल्यू मिल जाएगा, तो फिर ये क्लोज्ड एंडेड डेट फंड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स या FMP जो होते हैं वे कॉरपोरेट, बैंक या PSU बॉन्ड्स के मिक्सचर में इन्वेस्ट करते हैं, और इनकी मैच्योरिटी भी अलग अलग हो सकती है, मतलब इसमें कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ ये ट्रेडेबल भी हो सकते हैं और आप इतने डीमैट के थ्रू ट्रेड भी कर सकते हैं। इनका रिटर्न देखेंगे अब तो एक डिसेंट रिटर्न रहता है, मतलब लगभग 4-8% के बीच में लगभग आपको रिटर्न मिलेगा। एग्जाम्पल हम लोग ले लें तो निपॉन इंडिया एनुअल इंटरवल फंड, आप देखेंगे जब से ये लॉन्च हुआ है 2013 से तो उसका रिटर्न लगभग 7.5% के आसपास है। दोस्तों अगली कैटेगरी है शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। शॉर्ट टर्म डेट फंड्स जो होते हैं वे बैंक और
PSU बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 से 5 साल के बीच में हो सकती है, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म डेट फंड्स होते हैं। इनके जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी क्रेडिट क्वालिटी AAA से A तक के बीच में वेरी कर सकती है, तो आपको ध्यान देना होगा इन्वेस्ट करने से पहले कि आपके म्यूचुअल फंड में जो भी बॉन्ड्स हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। और जैसा मैंने पहले बताया कि AAA रेटिंग वाले जो भी बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी सेफ होते हैं। और जो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स होते हैं वे शॉर्ट टर्म यील्ड से ज़्यादा रिस्की होते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न इसमें क्रेडिट क्वालिटी। अब देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो ठीक है, गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज़ है, उसमें इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट पड़ेगा, मगर जो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हैं उसमें क्रेडिट क्वालिटी भी आ जाती है। तो क्रेडिट क्वालिटी, अगर क्रेडिट ख़राब हुई और किसी ने डिफॉल्ट कर दिया तो आपके डेट फंड्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान दें। और इनके रिटर्न्स भी 6 से 12% तक हो सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। आप देखेंगे कि जब से लॉन्च हुआ है तब से इनका रिटर्न जो है वो 9.4% के आसपास है। दोस्तों, अगली कैटेगरी है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। अब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म से मतलब क्या हुआ? देखिए, शॉर्ट टर्म आपने देखा, अल्ट्रा शॉर्ट मतलब उससे भी कम। मतलब ये जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स होते हैं वे बैंक और PSU या फिर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी 91 दिन से लेकर के 1.5 साल तक के बीच में हो सकती है। और मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा सेफ हैं। मतलब सेफ तो कुछ भी नहीं है, पर बाकी सब में सबसे अधिक सेफ हैं क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव नहीं होते हैं। चूँकि इनकी मैच्योरिटी कम है इसलिए बढ़ते या घटते इंटरेस्ट रेट का उनमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इसमें ध्यान दें कि इसमें भी लो रेटेड वाले बॉन्ड्स अवेलेबल अगर होंगे तो वह आपको ज़्यादा रिटर्न्स देंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप AAA की बजाय आप ए रेटिंग वाले अगर बॉन्ड्स लेते हैं या A1- रेटिंग वाले बॉन्ड्स लेते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपकी सेफ्टी तो कम हो जाएगी बट रिटर्न्स ज़्यादा मिलने की संभावना रहेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बॉन्ड लेना चाहते हैं। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स जो होते हैं वे लगभग 6 से 9% का रिटर्न दे देते हैं। आप एग्जांपल्स के लिए देख सकते हैं, इसमें ICICI प्रोडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, और जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसने 8.7% का रिटर्न दिया है। अगली कैटेगरी है क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड। दोस्तों, एक स्पेशल कैटेगरी है जो उन बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है जो मीडियम या लो क्रेडिट क्वालिटी के होते हैं और जिनकी एवरेज पोर्टफोलियो मैच्योरिटी जो है वे 1 साल से लेकर के वो कुछ सालों तक हो सकती है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें क्रेडिट रिस्क होता है। अब अगर मान लीजिए कि आपने कोई फंड लिया जिसका क्रेडिट क्वालिटी काफ़ी लो है तो उसके डिफ़ॉल्ट की संभावना बढ़ जाएगी, तो हो सकता है कि आगे चल के अगर कुछ डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर आपकी फ़ंड की NAV डाउन हो जाएगी। लेकिन ये है कि अगर आप रिस्क लेते हैं तो हो सकता है कि फ़ंड अच्छा चल जाए और आपको हाई रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, तो ये चीज़ आप नकार नहीं सकते कि इसमें क्रेडिट रिस्क की संभावना रहती है। ऐसे फंड्स काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं और जो क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड्स होते हैं वे 4 से 20% का रिटर्न पर एनम भी दे सकते हैं। इस एग्जांपल के लिए हमने ICICI प्रोडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड ले लिया। इसका आप रिटर्न देखेंगे, जब से ये लॉन्च हुआ है तो 9.4% का रिटर्न है, और जैसा मैंने पहले ही बताया ये टोटल रिटर्न दिखा रहा है एवरेज, मतलब जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का। अगर आप सालाना देखेंगे तो हो सकता है कभी 15% दिया हो, कभी 10% दिया हो, कभी 12% दिया हो, वो वेरी करता रहेगा, बट एवरेज 9.4 है। लेकिन हाँ, इसके सालाना रिटर्न अगर आप देखेंगे तो ये 20% तक भी जा सकते हैं। दोस्तों, अगला डेट म्यूचुअल फंड का टाइप है इनकम फंड्स। अब इनकम फंड्स जो होते हैं वे कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बैंक्स या PSU डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लेकिन इनका कुछ स्पेसिफिक मैच्योरिटी नहीं होता। आपको अगर आप उसका अंदर डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा, लेकिन नाम से देख करके आपको समझ में नहीं आएगा कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। और इसमें जो इनकम फंड्स को इनकम क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें बॉन्ड का इंटरेस्ट तो होता ही होता है, साथ में कैपिटल गेंस अगर कुछ होगा तो भी आपको उसमें दोनों को जोड़ करके आपको इनकम दिया जाता है। आप पूछेंगे कैपिटल गेंस क्या है? देखिए, कैपिटल गेंस क्या है, जैसे मान लीजिए कि कई बार कोई बॉन्ड है, बॉन्ड का रेटिंग जो है वो बढ़ गया, अच्छा अपग्रेड हो गया, तो उसमें आपको कुछ कैपिटल अप्रिसिएशन मिला, तो वो सब इसमें ऐड हो जाता है। और आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी डिसेंट रिटर्न्स देते हैं, 5 से 10%, बट ये थोड़े रिस्की होते हैं। अब एग्जांपल के लिए देखिए, इसमें आदित्य बिरला सन लाइफ इनकम फंड, और आप रिटर्न देखेंगे तो लगभग 8.7% का रिटर्न दिया है इसने अभी तक। दोस्तों, आखिरी कैटेगरी की हम बात करेंगे, वो है डायनेमिक बॉन्ड फंड।
अब नाम से आपको क्या लग रहा है डायनेमिक? डायनेमिक मतलब ये हुआ कि ये अपना परिस्थिति को देखते हुए कि इंटरेस्ट रेट का क्या परिस्थिति है, बढ़ने वाला है घटने वाला है, उसको देखते हुए ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड में भी शिफ्ट हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म बॉन्ड में भी शिफ्ट हो सकते हैं। ये देखते हैं मार्केट को, मार्केट सिनेरियो क्या है कैसा है, उसके हिसाब से ये अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। और अब देखेंगे जो एक स्पेसिफिक फिक्स्ड वाले रहेंगे उनसे कंपैरिजन में जो डायनेमिक वाले बॉन्ड्स हैं उनका थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जो है और वोलेटिलिटी जो है थोड़ी सी कम रहेगी, मतलब ये आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे देंगे ये। और एवरेज रिटर्न देखेंगे तो 5-12% का रिटर्न दे सकते हैं ये। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है IDFC डायनेमिक बॉन्ड फंड जो कि लगभग 9.5% का एवरेज रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। हमें कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और आपको डेट मार्केट से रिलेटेड और क्या जानकारी चाहिए। ऐसे ही निवेश से संबंधित इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इंस्टा निवेश को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।